दोस्तों संजय दत्त ने बॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म MBBS की, जिसका सीक्वल भी बना और जिसको साउथ में भी रिक्रिएट किया गया। तो आज हम इसलिए बात करें क्योंकि आपको ये मालूम नहीं होगा कि संजय दत्त की फिल्म MBBS को रिक्रिएट किस वे में किया गया। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है और इस फिल्म को जितना लोगों ने पसंद किया है तो इस फिल्म के जो कास्ट थे उनको बहुत ज्यादा पसंद किया गया। वसूली भाई के नाम से अरशद वारसी को पसंद किया गया, तो वहीं यहाँ पर बोमन ईरानी को भी खूब हाईलाइट मिला। तो ऐसे में ये तीनों लोग बहुत पसंद किए गए, संजय दत्त, अरशद वारसी और बोमन ईरानी। ऐसे में आपको बता दें, इस फिल्म को 12 करोड़ में बनाया गया, लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 43 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनकर सामने आई थी। तो आपको बता दें, इस फिल्म को साउथ में रिक्रिएट करके बनाया गया, जिसे वहां पे भी बहुत पसंद किया गया, जिसका नाम था वसूली भाई MBBS। और इस फिल्म में नजर आई थी, 2004 की फिल्म थी और इसमें नजर आई थी कमल हासन, साउथ की सुपरस्टार कमल हासन ने इस फिल्म में भी जान डाल दी थी और वहां पे भी इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। लेकिन जिस तरह से MBBS को पूरी वर्ल्ड वाइड में पसंद किया गया, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन जिस तरह से उसको साउथ में बनाया गया, लोगों ने उसे भी बहुत पसंद किया था। तो दोस्तों को बता दें कि इस फिल्म को अगर फिर से बनाया जाए, मतलब सीक्वल के बाद सीक्वल अगर फिल्में आती है तो आपको कितनी पसंद आती है। तो इसी पर आपको बता दें कि संजय दत्त ने ये फिर से फैसला लिया है कि वो अब MBBS 3 लेकर आएंगे और सभी को इस बार बहुत गुदगुदाने वाले हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत चीजें चल रही है और राजकुमार हिरानी इस बार फिर से डायरेक्शन करके सभी के सामने बेस्ट लेकर आना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप अरशद वारसी, बोमन ईरानी और संजय दत्त की इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? और इस बार हीरोइन के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे, ये भी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, बाय बाय एंड टेक केयर।